हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाषी। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हम लोगों ने पहले क्या डिस्कशन किया था मैं आपको बताता हूँ, फिर मार्केट किस तरीके से मूव किया, कौन से स्टॉक्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मार्केट अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन क्रॉस हुआ या फिर 29,000 राउंड लेवल के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनाया, हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। मैंने भी शॉर्ट किया था मॉर्निंग टाइम में, एक तो एक मिनट कैंडल पे शॉर्ट किया था जो एसएल हिट हुआ, उसके बाद फिर से मैंने 29,000 ये लेवल पे जब नेगेटिव कैंडल बनाया स्मॉलर टाइम 5 मिनट कैंडल में, तब मैंने शॉर्ट किया था। लेकिन मैंने इसको निकाल दिया था समवेयर अराउंड ये लेवल पे, मैंने इसको निकाल दिया जब नीचे आया, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया। हाँ, बहुत ही अच्छा सेटअप बन लग रहा था कि नहीं मार्केट नीचे आ जाएगा। उस टाइम पे निफ्टी भी बहुत तेजी से नीचे आ रहा था और निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, बैंक निफ्टी हॉल्ट कर रहा था। फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया बाइंग के साइड में, यहाँ पे फिर मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देख के इसको निकाल दिया। दरीजर यहाँ से मार्केट मुझे साइन दे रहा था। देखो, हर एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, जितने लोग रेगुलर ट्रेड करते हैं उनको पता है मार्केट इज योर फ्रेंड, ये आपका फ्रेंड है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इट्स फाइन। लेकिन मार्केट भी आपको बहुत सारे हिंट देता है लॉसेस देने से पहले। कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स से कोई स्टॉक आपने 1000 में बाई किया है, 1000 में बाई किया है तो आपका टारगेट क्या है, 100% आपका टारगेट है 1100, करेक्ट? आपका टारगेट है 1100 या फिर इंट्राडे के अंदर लेट्स से 1030 आपका टारगेट है। आपने 990 पे एसएल रखा है। एसएल क्यों रखा है? क्योंकि हर एक जगह हर एक यूट्यूबर यही बोल रहा है एसएल, बिना एसएल का ट्रेड मत करो। आजकल कोई एक आधा परसेंट होगा जो इंट्राडे में बिना एसएल का काम करता होगा, लेकिन इसके ऊपर हम लोग जाके समझते हैं। आपने एसएल तो डाल दिया, लेकिन जब मार्केट में रियल टाइम में चलता है तब क्या होगा, ये लेट से धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू कर दिया, करेक्ट? तब आपके मन में एक्सक्यूजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम क्या होता, मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण ये आके मेरा एसएल हिट किया था, फिर टारगेट जाके हिट किया था बाद में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 980 का एक स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, इसके पास एक स्पेस भी रहेगा और मार्केट में मोमेंटम करेगा। मैं ये क्या करूंगा 1:2 के लिए, और रिस्क टू रिवॉर्ड सबको पता है, थ्योरेटिकल नॉलेज सबको पता है, तो उन लोग अगर स्टॉप लॉस बढ़ाएंगे तो टारगेट भी बढ़ा देंगे, ठीक है? उसके बाद जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, 980 आएगा, उसके बाद डेफिनेटली जो पर्सन 990 में निकाल नहीं पाया है वो 980 में भी निकाल नहीं पाएगा। उस टाइम पे क्या करेगा, कुछ लोग होंगे 50% लोग डिलीवरी में चले जाएंगे क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, सेटअप बहुत अच्छा है। ये कभी 850 तो आएगा नहीं या फिर 900 तो आएगा नहीं, इसको मैं रख लेता हूं होल्डिंग के लिए, आज नहीं तो कल ऊपर चला जाएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है। तो उन लोग बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टर बन जाते हैं, इंट्राडे में शुरू करते हैं लेकिन इन्वेस्टर बन जाते हैं क्योंकि वो स्टॉक नीचे आ रहा है और उनका टारगेट था ऊपर जाएगा करके। ये सारे साइकोलॉजी पॉइंट्स मैं आपको समझा इसीलिए रहा हूं, कभी भी मार्केट आपको कभी इग्नोर नहीं करता। आपका पैसा अगर लूज हुआ है मार्केट के अंदर, ये आपके गलती के कारण। कोई भी स्टॉक 1000 से डायरेक्ट 700 नहीं जाता है। अगर 1000 में आपने परचेस किया है, 700 आ चुका है, आप अगर हैवी लॉस में हो, ये प्लान आपका नहीं था, इसका मतलब आपने बहुत बड़ा गलती किया है। क्योंकि मार्केट 900 भी आया, 850 भी आया, 800 भी आया, फिर 700 आया, आप निकाले नहीं हो इसको, ये होप करके बैठ गए हो कि नहीं हाँ ये और ऊपर चला जाएगा। लोग गलती यही करते रहते हैं, अगर 1000 से कोई स्टॉक 950 तक आ चुका है तो ट्रेंड कौन सा एस्टेब्लिश हो चुका है, ये डाउन ट्रेंड में ऐसा हो चुका है। लेकिन लोग निकालेंगे नहीं, लोग क्या करेंगे, एवरी डी प्राइस में उन लोग बाय करेंगे, स्टॉप लॉस छोटा मिल जाएगा, उन लोग बाय करते रहेंगे ये सोच करके नहीं यहां से चला जाएगा ऊपर और जितना लॉसेस हुआ है सभी कवर कर देगा। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, 10-5 ट्रेड ले लेंगे, 4 ट्रेड में लॉस होगा, जो लास्ट ट्रेड बचा होगा उसी में सभी क्वांटिटी डाल देंगे ये सोच करके नहीं, पूरा वो पैसा निकाल देगा जितना लॉसेस हुआ है। तो इसका मतलब आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट को फ्रेंड की तरह समझो। आज अगर वो आपको साइन दे दिया नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है ऊपर गया, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे और एक एसएल हिट होगा। एसएल हिट हो रहा है मतलब मार्केट आपके अगेंस्ट में जा चुका है, आपके एनालिसिस के अगेंस्ट जा चुका है। जब आपने 990 पे एसएल दिया था, आपने कुछ एनालिसिस किया था, 1000 में बाई किया था, मार्केट अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है इसका मतलब आपका एनालिसिस गलत हो चुका है। स्टॉप लॉस ले लो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस ले लो। अगर मार्केट फिर से जा रहा है तो यू कैन री एंटर अगेन, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसे भी 1:2 है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या था, अगर हम लोग निफ्टी देखें, कल जैसे हम लोगों ने प्लान किया था निफ्टी परफेक्टली चला, गैप अप खुला, वी आर वेट फॉर ए नेगेटिव, बड़ा गैप अप खुलेगा तो हम लोग सेल करेंगे नेगेटिव साइन दिखाने के बाद। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, अच्छा सेलिंग हुआ, लेकिन 15 मिनट पहले का छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उन लोगों को बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा, मार्केट इसी के बीच में रहा। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, मार्केट अगर बुलिशनेस भी है
बड़ा गैप अप खुल जाता है, यू नीड टू वेट फॉर ए प्राइस एक्शन। तो चलिए अभी हम लोग डेली चार्ट्स में निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड देख लेते हैं। यहाँ पे अगर डेली चार्ट्स में देखेंगे इट्स ए बुलिश साइन, कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेकिन बुलिश साइन में एक बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज बहुत बड़ा गैप अप नहीं था, निफ्टी में बड़ा गैप अप था, वो हॉल्ट किया, इसने हम लोग भी सेल किए थे, बैंक निफ्टी इतने लोग सेल किए होंगे मेरे साथ, इसमें एसएल हिट हुआ था 100%। निफ्टी नेट टू नेट एक साइडवेज में था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखाया था, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मोमेंटम है। जितने लोग लास्ट मंथ में वीडियो देखे होंगे मैंने उनको बताया था नवंबर मंथ में अगर ये 24,000 के आसपास क्लोज हो जाता है इट विल गोइंग टू सूट अप, एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है इसके अंदर। मैंने आपको दिवाली पिक्स में भी बताया था, तीन स्टॉक मैंने आपको बताया था, तीनों स्टॉक एचडीएफसी लाइफ हो गया और एक एडीएफ फूड करके था और एक आईटीसी, तीनों स्टॉक बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुके हैं। इवन टाटा मोटर्स भी मैंने आपको बताया था एक रेंज में था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मार्केट में जो प्राइस आपको बता रहा है उसको सुनने का कोशिश करो, क्या सिनारियो है, लेट द प्राइस बेंड। अगर यहाँ से नेगेटिव सिनारियो आना होता तो मैं आपको बार बार बता रहा था ये एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में ही नेगेटिव हो जाता, अगर इसने नेगेटिव नहीं बनाया इसका मतलब ये स्ट्रांग है। अभी कल क्या कर सकते हैं, सिंपल, अगर ये स्ट्रांग है तो हम लोग इसको बाय करेंगे, लेकिन कौन से प्लेस में बाय करेंगे, जब ये फ्लैट खुल लेगा या फिर थोड़ा सा 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, 200-250 पॉइंट के ऊपर खुल जाता है, इसका मतलब आपका इंट्राडे का हाफ प्रॉफिट तो जा चुका है, आप फिर बाय क्यों करने वाले हो, यू जस्ट नीड टू वेट। क्या पता ये एक अच्छा बड़ा गैप अप खुला, निफ्टी भी बहुत ऊपर गया, फिर कहीं पे एक रेजिस्टेंस मिलके फिर नीचे आ रहे, तो हम लोग को सेलिंग की साइड में थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। आपका एक दो स्टॉप लॉस भले हिट हो जाए लेकिन अगर ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर चल रहा है, आप देख चुके हो ऑलरेडी ये टाइम पे, कभी भी मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए नहीं बोला था, इनफैक्ट मार्केट ऊपर भी खुल रहा था, सेंटिमेंट के कारण आपको बोल रहा था कि नहीं यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट मत करो, मार्केट और ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी एक्सपायरी भी पास है, अगर ये और ऊपर कल बड़ा सा गैप अप खुलता है देन यू नीड टू अगेन सेम चीज आप फॉलो कर सकते हो, वेट फॉर ए नेगेटिव कैंडल, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आप शॉर्ट कर सकते। आई होप कल का प्लान आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये बड़ा सा गैप अप खुलता है सेम सिनेरियो, वेट फॉर ए ट्रेंड लाइन या फिर स्मॉल कैंडल में आप शॉर्ट कर सकते हो, गैप डाउन खुलता है 50-60 पॉइंट या 80 पॉइंट तभी भी हम लोग प्राइस एक्शन के साथ शॉर्ट कर सकते हैं, एक अच्छा सिनेरियो रहेगा। फ्लैट खुलता है तो हम लोग स्टिल बाई करेंगे क्योंकि अच्छा सिनेरियो दिख रहा है, 400-500 पॉइंट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, 300-350 पॉइंट और एक रैली हो सकता है, एक अच्छा सिनेरियो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और एक मोमेंटम होने के बाद ये हॉल्ट कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी देखेंगे, निफ्टी का हम लोग देखते हैं, निफ्टी डेफिनेटली ऊपर तो खुल रहा है लेकिन ये इतना मोमेंटम के साथ ऊपर जा नहीं पा रहा है, ऊपर खुल रहा है नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर खुला फिर नीचे आया और इन बिटवीन कैंडल बना रहा है, इन द सेंस ऊपर से सेलिंग हुआ नीचे आके फिर यहाँ पे क्लोज दे रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नो डाउट थोड़ा सेलिंग का प्रेशर। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा राउंड लेवल दिख रहा है 13,000, तो 13,000 गोइंग टू बी डिसाइडिंग लेवल, आई थिंक एक्सपायरी तक ये लेवल अगर हॉल्ट करता है तो 13,000 से लेकर 12,800 इसी बीच में मार्केट फंसा रहेगा, और जो बैंक निफ्टी हो गया वो हो गया 29,000 से लेकर 29,500 इसी बीच में कहीं पे फंसा रहेगा, बुलिशनेस है। लेकिन ये जो हॉल्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसके कारण ये 200-300 पॉइंट रेंज के अंदर बना सकता है, लेकिन स्टिल कल का मोमेंटम हम लोग देखते हैं, फिर थर्सडे के दिन मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो मार्केट के अंदर दिख रहा होगा, जो आप एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो। अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं, कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर रहे हो। पहला स्टॉक है लुपिन, अगर देखेंगे यहां से मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट टाइम भी आई थिंक ये मैंने ट्रेड आपको दिया था, मोमेंटम किया, ये फर्स्ट टाइम मोमेंटम में ट्रेड नहीं करना चाहिए, यहां पे समय अराउंड दिया था, नेक्स्ट डे वो चला नहीं था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल बनाया था, अभी सिमिलर यहां पे कंटिन्यू सेलिंग का प्रेशर अभी भी है, ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, यहां पे इन्वर्टेड हैमर बना है, यहां पे एक रेंज में है, कल अगर ये 885 के नीचे निकलता है तो फिर से एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, लेकिन ये लेवल जाने दीजिए। लेकिन ये लेवल कैसे निकलना चाहिए, इसको निकलना चाहिए 890 में ओपन हुआ या फिर 888 के आसपास ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर, ये अगर खुल जाता है 900 में खुल जाता है फिर 885 क्रॉस करता है, इसका मतलब ऑलरेडी 15 रुपये जा चुका है आपका एंट्री प्राइस से, तो यहाँ पे फिर आपको रिस्क हो जाएगा, तो बेटर है आसपास अगर ओपन होता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसको सेलिंग के साइड हो सकता है, फिर इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, नो डाउट बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, सिमिलर पैटर्न बनाया जैसे बैंक निफ्टी ने बनाया वैसे ही सिमिलर पैटर्न बनाया है, अगर ये कल क्रॉस करता है 1400 के ऊपर, ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है 1410 के ऊपर, और एक बार मोमेंटम कर सकता है, और ये रीजन हो सकता है एक
अल्ट में रखने के लिए, लेकिन इसको पहले क्रॉस होना चाहिए। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रख लो, ब्रेकआउट सिनेरियो में आसपास जब भी स्टॉक हो वहां पे शार्प मोमेंटम होते हैं। अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो भी एक डाउनसाइड शार्प मोमेंटम होगा, अगर क्रॉस करता है तो भी शार्प मोमेंटम होगा। आपको पता कैसे करना है, अगर 1410 क्रॉस होता है इसका मतलब बायर स्ट्रांग है, ये ऊपर की तरफ और जा सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाता है 30-40 रुपए और नीचे आना स्टार्ट कर देता है 10-15 मिनट अगर ये नीचे ट्रेड कर देता है तो ये फिर तेजी से नीचे आ सकता है, और बैंक निफ्टी आज का जो हाई है वो भी ब्रेक नहीं करेगा, वो नीचे ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। ये सारे साइन आपको समझने पड़ेगा, मार्केट आपको बताएगा कल कहाँ पे ओपन हो रहा है और उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टस, बहुत ही अच्छा साइन में है, ये ऊपर गया, आप देख रहे हो एक बड़ा मोमेंटम हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था ये कैंडल में, लेकिन नेक्स्ट डे एक बड़ा सा गैप अप खुल गया, बड़ा सा गैप अप खुल गया, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है नो डाउट, लेकिन बड़ा सा गैप अप खुल गया तो प्रॉफिट बुकिंग आ गया इसके अंदर। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम कर रहा है, जनरली सिमिलर होता है, यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम होने के बाद थोड़ा सा हॉल्ट करता है फिर ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो कल भी इसके अंदर हम लोग बाय कर सकते हैं। एग्जैक्ट कौन से लेवल पे बाय करना है कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा इंडिया, अगर यहाँ पे देखेंगे 1380 के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, बहुत स्लो मोमेंटम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गेन, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक बहुत ऊपर जा चुके हैं और बाटा इंडिया एक अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल पे ट्रेड करता था लेकिन ये मोमेंटम कर नहीं पा रहा है। लेकिन अभी एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे सकता है, थोड़ा सा डीप करेक्शन होके ये क्रॉस हुआ है, लेकिन कल अगर ये मोमेंटम करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है 1380 के ऊपर, फिर से ये मोमेंटम करेगा और ये ट्राई करेगा 1400 के ऊपर एक क्लोजिंग दे दे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये मोमेंटम करने का कोशिश किया था सिमिलर। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे ये ब्रेकआउट पैटर्न था, मोमेंटम भी किया था लेकिन 1400 के ऊपर क्लोज नहीं दिया था, तो अभी बायर्स ट्राई करेंगे, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देते हैं तो आने वाले टाइम में ये और ऊपर जा सकता है। आई होप ये एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।